नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के आनंदपुर सहोरा पंचायत में मुखिया संघ अध्यक्ष का बैठक चल रहा है, जिसमें बहेरी मुखिया संघ अध्यक्ष सुरेंद्र यादव और यहाँ हायाघाट की बात करें राजकुमार जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर बैठक बुलाए हैं, जिसमें आनंदपुर सहोरा पंचायत कार्यालय में ये बैठक बुलाया गया है। आपको बता दें, इस कार्यालय में बैठक में बबलू ठाकुर जो श्रीरामपुर पंचायत के हैं, सिधौली पंचायत के नागेश्वर दास, मझोलिया पंचायत के प्रतिनिधि पूनम झा, पतोर पंचायत के फेकन पासवान, साथ में यहां पर देख सकते हैं सभी लोग मौजूद हैं। दक्षिणी मरहीपट्टी पंचायत से यहां पर रामस्वरूप पासवान पहुंचे थे, और उसके बाद घुसरमा पंचायत से यहां पर जो यहां पर अफरोज हैं वो पहुंचे थे। साथ में सभी जगहों से ये मुखिया जो हैं पहुंचे, और विभिन्न पंचायतों से जो मुखिया पहुंचे हैं, यहां पर एक बैठक हुई है, जिसमें बैठक में निर्णय लिया गया है कि अशोक पेपर मिल थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार के विरोध प्रदर्शन के लिए धरना दिया जाएगा और उनको निलंबन के लिए पदाधिकारियों से मांग किया जाएगा। इस बीच आप देख सकते हैं सभी लोग बैठक कर रहे हैं, और सभी लोगों ने एक ही मांग किया है कि कैसे भी थाना अध्यक्ष का निलंबन हो, हम लोगों के खिलाफ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, हम लोगों का बात नहीं सुनते हैं, सबके ऊपर फंसाने का ये षड्यंत्र रचते हैं, इस तरह का आरोप जो है लगाया गया है। क्या कहेंगे इस बैठक का, में क्या चीज का बैठक था आज? देखिए, हम लोग आए थे हायाघाट मुखिया संघ का, जो मुखिया संघ है उसकी एक बैठक आज यहाँ आनंदपुर सहोरा पंचायत भवन कार्यालय पर रखा गया था। उसमें मुख्य रूप से जो जानकारी यहाँ बैठक में उभर कर आया है कि यहाँ जो एपीएम के थाना अध्यक्ष हैं, उनका जो क्रियाकलाप है वह बिल्कुल ही जनप्रतिनिधि के जनभावना के खिलाफ है। वह बदले की भावना, प्रतिशोधात्मक कार्रवाई में लगे रहते हैं। इसके लिए यहाँ बैठक में एक रणनीति तय की गई है कि हम लोग इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देंगे और उन्हें समय देंगे कि 10 दिन में इनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हुए इनका तबादला यहाँ से कहीं अन्यत्र करें, अन्यथा बाध्य होकर पूरे जिला के मुखिया को हम लोग एकत्रित करके जनता के साथ इनके खिलाफ जिला मुख्यालय में जन आंदोलन चलाएंगे। इसी रणनीति पर हम लोग आज बैठे। तो आप कहाँ से आए थे? मैं बहेरी प्रखंड मुखिया संघ का अध्यक्ष सुरेंद्र यादव। यहाँ पर आपको भी बुलाया गया था? जी जी, हम यहाँ अपने साथियों को बुलावे पर आया हूँ। तो इन्होंने, और इन लोगों की जो समस्या है उसके साथ मैं कदम से कदम मिला के चलूंगा, और इनके इनको हर सहयोग बहेरी प्रखंड की ओर से मैं दूंगा। थैंक यू। यहाँ पर बैठक बुलाने का, खासकर आज थाना के स्तर पर आज शांति समिति की बैठक भी बुलाई गई है, और आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, लगभग समय भी हो चुका है शांति समिति के, क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पर आज यहाँ पे आया? घाट मुखिया संघ के बैनर तले आनंदपुर सहोरा पंचायत के पंचायत भवन पर हम सभी मुखिया जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपस में हम लोग ये चर्चा किए हैं कि इस थाना प्रभारी के क्रियाकलाप से पहले से भी हम लोग बार बार आपके माध्यम से वरीय पदाधिकारी को जानकारी दिए हैं, जो इनका गतिविधि क्षेत्र में अच्छा नहीं है, जनप्रतिनिधियों के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, आम जनता के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। आज जो उनके द्वारा सूचना मिला थाना प्रभारी के द्वारा, जो बकरी मुहर्रम के शुभ अवसर पर शांति समिति की बैठक दिन के 3 बजे से उन्होंने रखी है, हम सभी मुखिया संघ आपस में बैठ करके यह निर्णय लिए हैं कि हम लोग इस शांति समिति की बैठक को बहिष्कार किए हैं। जब तक ये थाना प्रभारी एपीएम में रहेंगे, तब तक जितने भी सरकारी कार्यक्रम होगा उसका हम मुखिया संघ विरोध करते रहेंगे और उसमें भाग नहीं लेंगे। तो क्या इसका प्रेस नोट तैयार हो गया है आप लोगों की तरफ से? और इसका जो हम लोग आपस में आगे की रणनीति तैयार किए हैं, जो जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने के उपरांत, अगर इनको 10 दिनों के अंदर अगर इनका तबादला या सस्पेंशन नहीं होता है तो हम लोग जिला मुख्यालय में धरना पर और प्रतिमार्च में हम लोग बैठेंगे। कौन से थाना, क्या नाम है उनका? शैलेश कुमार, एपीएम थाना अध्यक्ष। क्या डर बन गया है खासकर मुखिया लोगों को? मुखिया लोगों को डर नहीं, वही प्रतिरोध की भावना से क्षेत्र में काम करते हैं, जितने भी मुखिया जी हैं सबके साथ में इनका प्रतिरोध की भावना से ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग वरीय पदाधिकारी को ये सूचना पूर्व में भी दिए हुए हैं, और कल हम लोग जो है लिखित रूप में फिर जिला के वरीय पदाधिकारी को लिख करके देंगे। तो 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इसका तबादला नहीं होता है यहाँ से, तो हम लोग जिला मुख्यालय मुखिया संघ के द्वारा और जिला के जितने भी मुखिया जी हैं सभी से हम संपर्क करेंगे और उन सबों से आग्रह करेंगे कि इस बैठक में वो सभी मुखिया जी भाग लें और प्रतिरोध मार्च करेंगे। शांति समिति की बैठक जनता के लिए ही बुलाया जाता है, खासकर पंचायत की सुरक्षा और दृष्टिकोण से बुलाया जाता है,
तो क्या लग रहा है कि जनता के लिए फिर आप लोग किस तरह से तैयार रहेंगे अगर थाना अध्यक्ष लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं तो हम लोग जनता को क्या सुरक्षा मुहैया करेंगे। आए दिन समाज में एक से तरह की घटनाएं होती रहती है, हम लोग इतना असहज महसूस कर रहे हैं इस थाना प्रभारी के द्वारा, जो कि हम लोग इनको किसी प्रकार की सूचना तक भी थाना प्रभारी को नहीं दे रहे हैं क्योंकि उस पर कोई तरह का अमल ही नहीं किया जाता है इनके द्वारा। इसीलिए हम लोग बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं। आए दिन हो सकता है तो कल हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी एक लिखित सूचना देंगे, जो आगे जो हम लोगों का ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम है प्रखंड मुख्यालय पर 10 से लेकर के 12 तक, उसमें भी हम लोग जो है सो भाग नहीं लेंगे। और जब तक ये थाना प्रभारी को यहाँ से निलंबन या यहाँ से तबादला नहीं हो जाता है, हम लोग जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं, चाहे वो प्रखंड लेवल के हो या मान लिया थाना लेवल के हो, सभी सरकारी कार्यक्रमों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। मुखिया संघ, पूरा नाम क्या हुआ? राजकुमार चौधरी, मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट। मुहर्रम का त्यौहार है, पंचायत में काफ़ी मुस्लिम बहुल इलाका है आपका, क्या कहेंगे, किस तरह से खासकर आप तैयारी करेंगे? शांति समिति की बैठक में आप नहीं जाएंगे, प्रशासन की बातों को अगर नहीं सुनेंगे, उनकी बातों को अगर गौर से, तो क्या कैसे सुरक्षा करेंगे, कैसे क्या ध्यान देंगे आप बताइए। देखिए, आज आनंदपुर सहोरा के पंचायत भवन पर मुखिया संघ का बैठक हुआ। जिस मुखिया संघ के बैठक में मुखिया के साथ अपमान हुआ है उसको लेकर के सभी मुखिया जी में आक्रोश है और उन आक्रोश को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम मुखियागण भी समाज में विकास, भाईचारा और शांति के क्षेत्र में काम करते हैं और इस शांति और भाईचारा और विकास के लिए, उन्नति के लिए हमेशा हरेक पदाधिकारी महोदय से एक दूसरे से कदम मिलाकर सहयोग लेते हैं और देते हैं। तो हम लोग भी तो हमेशा शांति की ही मांग करते रहते हैं, अपने बुद्धिमता से जितना हम लोगों से होता है अपने समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमेशा कार्य करते रहते हैं। हमारे समाज में जो भी घटनाएं घटती है उसके लिए हम लोग थाना अध्यक्ष को सूचना देते हैं या थाना अध्यक्ष को बुलाते हैं तो उसमें हम लोगों की बातों को इग्नोर किया जाता है या वास्तव में उसमें मदद उनके द्वारा जो मिलना चाहिए उस ढंग का मदद नहीं मिलता है और वास्तव में कोई मुखिया के खिलाफ कोई काम कार्रवाई होती है और उसमें हम मुखियागण यदि आवाज़ उठाते हैं तो उन मुखिया को टारगेट किया जाता है। हमको जैसे लगता है सभी मुखिया जी ऐसा ही वक्तव्य भी दिए हैं तो उससे हम लोग असहज महसूस करते हैं। आज क्या निर्णय हम लोग शांति समिति को स्वागत करते हैं, चाहते हैं कि शांति समिति का स्वागत हो। हम लोग भी अपने स्तर से शांति व्यवस्था के लिए ढंग से काम करेंगे लेकिन शांति समिति में नहीं जाने का हमारे मुखिया संघ का निर्णय हुआ है तो हम मुखिया संघ के निर्णय के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा और दरभंगा जिला के पूरे मुखियागण हम लोग एक हैं, एक होकर के इस पर जो विचार विमर्श आएगा उस पर हम लोग अमल। क्या नाम है? मेरा नाम नागेश्वर दास, मुखिया ग्राम पंचायत।